हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आयोग ने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 21 मई को जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए लिंक ओपन कर दिया है आपत्ति लगाने के लिए। तो अब आप आपत्ति लगा सकते हैं जो भी 3-4 क्वेश्चन हैं उनमें, ठीक है। और अभी है तो आप लोग एकदम रिलैक्स रहिए, क्योंकि अभी जो 2-3 क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अभी कट ऑफ भी चेंज हो जाएगी, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इसका असर तो देखने को मिलेगा ही। तो अभी तो आप सब लोग अपने आप को अंदर समझिए और अच्छे से मेंस की तैयारी करिए। अभी जब फाइनल आंसर किया जाएगी तब एक बार बस और देखना पड़ेगा कट ऑफ की, हाँ कितनी, अब फाइनल इतनी जाएगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग तभी रियल पता लग पाएगा। क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन बहुत मायने रखता है सिलेक्शन के लिए, तो 2-3 क्वेश्चन चेंज होने वाले हैं, तो ये तो गेम चेंजर है। अगर क्वेश्चंस को देखें तो वैसे तो 3 क्वेश्चन ही है जिनके चेंज हो सकते हैं आंसर, लेकिन सब अलग अलग बता रहे हैं, पांच भी बोल रहे हैं कई लोग। तो एक तो कोयले वाला तो कंफर्म है, कोयले वाले में है थोड़ा सा कंफ्यूजन की, कंफ्यूजन क्या, ये तो इसका तो थर्ड ही होगा। और इसके बाद ई गवर्नेंस वाला है, ये चेंज हो सकता है, और एक डायोड वाला है, ठीक है। और ढोकरा और एक बलसार वाला जो था, सांची बलसार वाला, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि चेंज होना होगा, या फिर इसके दो आंसर दे सकते हैं बलसार वाले के, बलसार और सांची, पर बहुत कम चांसेस है कि बलसार वाला क्वेश्चन चेंज होगा, और ढोकरा वाला भी मुझे नहीं लगता होगा। बस ये कोयला कोयला और ई गवर्नेंस और डायोड, ये चेंज हो सकता है। और आयोग मोस्टली वो वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा चेंज करता है जिनके सोर्स बिल्कुल ऑथेंटिक हो, गवर्नमेंट के हो, और इसके साथ ही जिसमें ज़्यादा लोगों ने आपत्ति लगाई हो, ठीक है। और इसमें ये थोड़ा सा हो जाता है कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन सामने वाला, अगर आयोग ने जैसे कि फोर्थ दिया है कोयले में, अगर कोई फोर्थ लगा के आया है तो वो तो आपत्ति लगाएगा नहीं, क्योंकि उसमें उसका ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। डायोड वाले में जिसने अगर टनल लगाया तो वो क्यों लगाएगा आपत्ति, जिसने शॉर्ट की लगाया वो लगाएगा। तो ये थोड़ा डिपेंड करता है कि कितने लोग आपत्ति लगा रहे हैं, और जैसे कोई आर्थिक समीक्षा ये सब बजट पढ़ के नहीं गया, अगर उसने फोर्थ लगाया है कोयले में तो वो तो अपने सही मान के ही बैठा है ना, वो क्यों लगाएगा आपत्ति कोयले वाले के लिए। तो मेनली वही है कि जिसका जो गलत है वही आपत्ति सब लगाते हैं। तो यही पांच पांच क्वेश्चन है आपत्ति लगाने के लिए, आपको जिनमें भी लगता है और आपके पास सोर्स है गवर्नमेंट का ऑथेंटिक, तो आप लगा सकते हैं आपत्ति। तो और ये इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो लिंक ओपन हो गई है, आप आपत्ति लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।